जैकबाबाद सिंध में बलूचिस्तान के करीब वाक़ है। जैकबाबाद आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 43वां बड़ा शहर है। जैकबाबाद दुनिया के गर्म तरीन शहरों में से एक है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, जो जैकबाबाद को पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर बना देता है। जैकबाबाद का पुराना नाम खानगढ़ था, लेकिन जब इस शहर को डेवलप किया यहाँ के पहले डिप्टी कमिश्नर जनरल जैकब ने, फिर उनके नाम पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 1952 में इस शहर का नाम जैकबाबाद रख दिया। जैकबाबाद के मशहूर खानों में बुग्गा चावल, मीठो लोलो यानी मीठी रोटी और घयार शामिल हैं। जैकबाबाद में बहुत से तारीखी और दिलकश मकामात मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको जैकबाबाद के 10 मशहूर जगहों के बारे में बताएंगे। उससे पहले, अगर आपने तनवीर राजपूत टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, ओडो हवेली। ओडो हवेली को सरदार लाल मोहम्मद खान ओडो ने 20वीं सदी के आगाज में गांव ताजोर डेरों में तामीर करवाया था। ये हवेली अपने आप में नादिर तामीराती अहमियत रखती है। ओडो हवेली को 6 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिनमें से मेहमान खानों यानी गेस्ट हाउस और मस्जिद भी शामिल है, जिसमें पानी की फराहमी की सहूलत भी मौजूद है। ओडो हवेली फ्रेस्को और चमकदार टाइलों के साथ साख्त में खालिस्तन ईंटों का अजूबा है। आप जब भी जैकबाबाद जाएं तो ओडो हवेली को जरूर विजिट करें। नंबर 2, पिजन हाउस। जनरल जॉन जैकब ने कबूतरों के लिए अपनी रिहाइश गाह के अहाते में 30 फीट ऊंचा डॉग कोर्ट बनाया था। नाकिस मवासलाती निज़ाम और इलाके के दूर दराज होने के पेश नज़र उसने मवासलात और जासूसी के मकसद के लिए कबूतरों की नर्सरी बनाई। ये नर्सरी अपने किरदार में मुनफरद थी और नौ आबादियाती सिंध में अपनी नौयत की पहली थी, जिसकी वजह से जैकबाबाद में पिजन हाउस बहुत मशहूर है। नंबर 3, जामिया मस्जिद ऑफ कोट जंगू। तहसील थल के गांव कोट जंगू में एक सदी से ज़्यादा पुरानी अजीम शान मस्जिद लाहौर की बादशाही मस्जिद से बिल्कुल मुशाहबत रखती है। मकामी जमींदार हाजी नूर खान वल जंगजू खान खोसों ने तामीर करवाई थी। 3 गुम्बद वाली मस्जिद तकरीबन 40 मीटर लंबी, 24 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंची है। यह मस्जिद शक्ल में रेक्टेंगल है और सुर्ख ईंटों से बनी हुई है। नंबर 4, विक्टोरिया टावर। विक्टोरिया टावर जैकबाबाद शहर की सबसे अहम 60 फीट ऊंची शाही यादगार है। ये 1887 में बनाई गई थी। इसका डिज़ाइन कर्नल एसएस जैकब ने बनाया था। ये टावर बरतानवी मलका विक्टोरिया की जुबली तकरीबात की याद में तामीर किया गया था, जैसा कि टावर के वस्त में लगभग 10 फीट की बुलंदी पर नस्ब तख्ती में बताया गया है। नंबर 5, नानकवाड़ा टेम्पल। अजीम तारीखी बाजार के तंग गलियों में वाक़ नानकवाड़ा मंदिर कस्बे के कदीम तरीन हिंदू इबादतगाहों में से एक है। ये 1986 में हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के फसादात के रद्द अमल में कुछ जुनूनी लोगों ने तोड़ फोड़ की थी। दिवाली, बैसाखी और जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ हिंदू बरादरी के बड़े इज्तम होते हैं। तोड़ फोड़ के बाद पुराने ढांचे को मुनहदम कर दिया गया और इसे मुकम्मल तौर पर दोबारा डिज़ाइन और दोबारा तामीर किया गया। इस मंदिर का सालाना इज्तिमा हर साल फरवरी में होता है। नंबर 6, जॉन जैकब ग्रेवयार्ड। जैकबाबाद का कदीम कब्रिस्तान, जो कि कस्बे के बानी जॉन जैकब की कब्र की वजह से मशहूर है। इस कब्रिस्तान में बरतानवी फौजी दफन है। नंबर 7, जामिया मॉस्क ऑफ खैरोवागो। गांव खैरोवागो में एक सदी से ज़्यादा पुरानी गुंबद वाली मस्जिद और जैकबाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मशरक में अहमदपुर गांव एक बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज शुदा तामीराती यादगार है। नमाज़गाह तकरीबन 20 फीट ऊंची है, जिसकी 3 फीट मोटी दीवारें हैं। इसकी छत को कसीर रंग की टाइलों से सजाया गया है। नंबर 8, जामिया मस्जिद ऑफ उस्तो भल्डिनो आबाद। गांव उस्तो भल्डिनो आबाद में वाक़ तारीखी मस्जिद को 1911 में मशहूर इंसान दोस्त हाजी करीम डिनो उस्तो ने तामीर करवाया था। इसे पूरे इलाके में फन तामीर के बेहतरीन यादगारों में शुमार किया जाता है। ये एक वसी नमाज का बरामदा और एक सहन पर मुश्तमिल है। नंबर 9, गौशाला। क्वेटा रोड पर एक और यादगार हिंदू इबादत का है, जिसे गौशाला यानी गाय की रोटी का मरकज कहा जाता है, जिसे 1892 में हिंदू पंचायत ने सेठ दौलताराम की याद में तामीर किया था।
गौशाला के अहाते में एक मंदिर, गाय की अफजाइश का मरकज, कम्युनिटी के लिए एक वसी खेल की जगह मौजूद है। नंबर 10, मीर जाफर खान जमाली हाउस। जेकब आबाद तकसीम से पहले और बाद के दौर की कई अहम शख्सियात का आबाई शहर है। मेन कोयटा रोड पर मीर जाफर खान जमाली, जो कि साबिक वज़ीरे आज़म मीर जफरुल्ला खान जमाली के चचा हैं, उनका घर मौजूद है। और उनके बिल्कुल सामने नवाब मोहम्मद अकबर खान बुकटी, जो साबिक वज़ीरे आला बलूचिस्तान की रिहाइश का है। ये थे जेकब आबाद के 10 मशहूर और दिलकश मकाम। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। तन्वी राजपूत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।